की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं अपनी गूगल वेब स्टोरी किस तरीके से बनाकर आखिर हम अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट A to Z सेटिंग्स बताने वाला हूं, जो कि स्टेप बाय स्टेप कि आखिर अगर आपकी वेबसाइट है तो किस तरीके से आप गूगल वेब स्टोरी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आखिर गूगल वेब स्टोरी होती क्या है। जब भी आप गूगल ओपन करते होंगे तो उसमें आपको शॉर्ट वीडियो की तरह ही आपको जैसे कि फ़ोटो से रिलेटेड या फिर वीडियो आपको देखने को मिलती होगी, तो उन्हीं को ही हम वेब स्टोरी बोलते हैं। वेब स्टोरी कंटेंट कहाँ से लेना है, इसी के साथ में फ़ोटो कहाँ से लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें वेब स्टोरी किस तरीके से बनाना चाहिए, आखिर हम ये किस तरीके से पता कर सकते हैं कि आखिर हमारी वेब स्टोरी किस तरीके से चलेगी। जैसे कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, इसी के साथ में गूगल ने बहुत ही अच्छा फीचर्स दे दिया है कि स्टोरी को लेकर, ठीक है, जो कि अगर आप गूगल पर जाते होंगे तो उसमें आपको एक वीडियो टाइम मिलती होगी शॉर्ट वीडियो की तरह, ठीक है, तो उन्हीं को ही हम वेब स्टोरी बोलते हैं। वो किस तरीके से बनाई जाती हैं और आखिर हमें क्या करना होता है वो चलिए हम सीखेंगे। सबसे पहले आप वेब स्टोरीज के लिए यहाँ पर प्लांजिंग यानी कि डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद में ये आपका आ जाएगा यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आप डैशबोर्ड पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 वेब स्टोरीज बनाकर देखी थी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। अब इन टेम्पलेट्स को किस तरीके से आपको यूज करना है और किस तरीके से आपको यहाँ पर वेब स्टोरीज बनाना है वो चलिए हम सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जैसे कि लोगो, ठीक है, और यहाँ पर आपको हर तरीके की कैटेगरी की एक टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो उन कैटेगरीज की जिस भी टाइप की आप यहाँ पर वीडियो बनाना चाहते हैं यानी कि वेब स्टोरी बनाना चाहते हैं तो उस टेम्पलेट्स को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कुकिंग से रिलेटेड या फिर पिज़्ज़ा से रिलेटेड, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर फ्रूट वगैरह की सब कुछ देख सकते हैं, एनिमल्स वगैरह, स्लीपिंग, ठीक है। अगर आप इस टाइप की यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनमें से वो टेम्पलेट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे सिंपली क्लिक किया तो जितनी भी आपकी वेब स्टोरीज होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको मिल गया है व्यू ऑल स्टोरीज, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो मेरी ये 3 ही हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पर बना के देखी थी। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाता है क्रेडिट नाउ स्टोरेज, ठीक है, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका डैशबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप यहाँ से फोटो यानी कि वीडियो अपलोड वगैरह कर सकते हैं, फोटोज, और यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर आप फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें आखिर वेब स्टोरी बनाने से पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए कि आखिर हम किस चीज़ पर हमें वेब स्टोरी बनाना है, ठीक है, और इसके लिए आखिर कौन से टॉपिक के ऊपर वेब स्टोरी बनाना है ताकि वो रन करे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि आखिर इस समय कौन सी वेब स्टोरी चल रही है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं BINGWIN और .com, जितना आप लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये माइक्रोसॉफ्ट की ये यहाँ पर वेबसाइट है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप स्टोरीज, ठीक है। तो अब इस समय जो टॉप में चल रही है, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इससे पहले आपको एक चीज़ को और भी यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि आप किस देश में हैं, ठीक है, तो आपको उस देश की आपको यहाँ पर पहले लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आखिर आप कौन से देश में हैं, फ़र्क पड़ता है कि आखिर आपने वेबसाइट यानी कि किसके लिए बनाई है, ठीक है, यानी कि USA के लिए बनाई है और इंडिया में है तो आपने इंडिया के लिए वेबसाइट बनाई है, तो वो चीज़ आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तभी वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा उसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 लाइन पर सिंपली क्लिक किया, सेटिंग्स पे सिंपली क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ पर मिल जाता है कंट्री, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया है, इंडिया में अभी मैं आपको यहाँ पर चलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर कहाँ से हैं, जापान, USA, कनाडा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी फ्रांस या फिर रसिया
यूनियन स्टेट, मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो वहीं की ही सारी चीज़ें दिखाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी जो चीज़ें हैं वो ट्रेंडिंग में क्या क्या चल रही हैं, ठीक है, वहाँ पर, और आखिर वहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉप स्टोरीज कौन सी चल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने इंग्लिश में ब्लॉग लिखते हैं तो ठीक है, तो आप यहाँ पर, जो मुझे उम्मीद है कि जो भी अगर आप इंग्लिश में ब्लॉग लिखते हैं तो आप यूएसए को ही टारगेट करके लिखते होंगे, ठीक है। तो आपको उसी कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि लाइक कमेंट्स, ठीक है। तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 13 घंटा पहले पड़ी है और ये टॉप में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखी जा रही है इस चीज़ से रिलेटेड न्यूज, ठीक है, यानी कि यूएसए में। तो वो चीज़ आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और उसके बाद में मेरे यहाँ पर ओपन हो रही है सेट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, और उसके बाद में इस कीवर्ड को आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में आप अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ, यानी कि कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो कि और इससे बेहतर, तब ठीक है आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसे, हम यहाँ पर एक टाइटल देंगे, ठीक है, जैसे कि हमने ये टाइटल यहाँ पर दे दिया, देख सकते हैं। अब ये हमारा टाइटल हो गया, ठीक है, इसमें हम पोस्ट लगाएंगे अच्छी अच्छी ठीक है। तो अब आप यहाँ पर पोस्ट कहाँ से लेंगे, सबसे जो मेन सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है वो ये होती है कि आखिर हम पोस्ट कहाँ से लें विदाउट कॉपीराइट, ठीक है। तो विदाउट कॉपीराइट आप कहाँ से ले सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, न्यू विंडो पर सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद में टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएटिव लाइसेंस, और उसके बाद में देखते हैं हाँ क्रिएटिव लाइसेंस। हाँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोटोज हैं इनकी आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहने का मतलब है एकदम रियल फोटो है और आपको किसी भी तरीके का कॉपीराइट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है, ऐसे आया नहीं है यहाँ पर, चलिए मैं सिंपली इसे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये आपसे साइज पूछ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे हाई क्वालिटी में ही करेंगे, क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी में इसे डाउनलोड करेंगे तो ये है कि जो गूगल है वो आपकी अप्रूव्ड नहीं करेगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है, यानी कि जो आपकी वेब स्टोरी बनेगी उसे अप्रूव्ड नहीं करेगा, ठीक है। पर टाइप्स मिल जाएगा, जो भी आपकी फोटोज वगैरह आपने यहाँ पर अपलोड कर रखी होंगी पहले से, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, और आपको यहाँ पर अगर अपलोड करना है तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, और आप कहाँ से अपलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा और यहाँ सिलेक्ट फाइल, उसके बाद में जो भी आपकी फोटोज हों वो आप यहाँ से अपलोडेड कर सकते हैं, जैसे कि मेरी ये अपलोडेड हो रही है, और मैं और भी कर लेता हूँ जैसे कि, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ही साथ में कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अब, ठीक है। अब जो हमारी फोटोज है वो यहाँ पर अपलोडेड हो रही हैं, आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 10 फोटोज आपको यहाँ पर अपलोड करना होंगे, ठीक है। पहले आपको सबसे पहले फोटो आपको कौन सी लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इसी के साथ में आपको लास्ट वाली फोटो किस तरीके से लगाना है, और बीच में फोटो आपको किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी जो फोटो है वो अच्छी नहीं होगी तब आपकी स्टोरी अच्छी नहीं बनेगी, तो आपको HD क्वालिटीज में आपको फोटो यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सारी फोटोज को एक एक करके यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। या फिर आप पहले एक फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं सबसे थोड़ी सी करीबी और उस तरीके की फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ताकि अच्छी लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस वाली फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इन पेज, ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर इसे करेंगे पूरी तरीके से जूम वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रेम वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे, और ये ऐटोमेटो ही फ्रेम दे देती है फिलहाल तो, मगर आपको फिर भी करना है, ठीक है, आप देखेंगे इस तरीके से, गुड। आप देख सकते हैं कुछ ये, अगर आपको लग रहा है तो इस तरीके से थोड़ा हटा बची कर देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर न्यू पेज,
ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर बनाएंगे पेज के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, ये हमारी हो गई, अब मैं इसे यहाँ पर सेट करूँगा और इस तरीके से आपको यहाँ पर करते जाना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर रूडिट का भी ऑप्शन मिल गया है और इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अभी देख सकते हैं आ गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर आप यहाँ पर अगर कोई डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप डुप्लीकेट भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी न्यू पर सिंपली क्लिक करूंगा और उसके बाद में हमारी तीसरी यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी और मैं तीसरी यहाँ से ले लूंगा ये वाली फोटोज के लिए। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे और हमारी 3 5वीं फोटो यहाँ पर लग रही है, तो हम 5वीं फोटो 3 और 4 एक जो 5, ठीक है, उसके बाद हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप यहाँ पर डबल फोटो टाइप से करना चाहें तो डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है इस तरीके से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपका थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा लुक सा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर मैनेज करना आना चाहिए और मैनेज आपको करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद में हम इस फोटो को यहाँ पर लेंगे, छठी 7वीं फोटो, छठी यहाँ हमारी पोस्ट, हमारा 8 हो गया और 9वां हम यहाँ से यही ले लेते हैं फिर से थोड़ा सा हटा के। ठीक है, अगर आपके पास नौकरी वगैरह की कोई फोटो है तो अब ये नौकरी से रिलेटेड बता रही है। ठीक है, तो आपको नौकरी से रिलेटेड इसमें फोटो वगैरह एक ऐड कर देना है तो आपकी और भी ज़्यादा ये अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। पर 9 हो चुकी हैं तो मैं यहाँ पर फिर से कर लेता हूँ। ठीक है, 10वीं के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे यहाँ पर थोड़ा पोस इसका जूम करके यहाँ पर देंगे, अगर आप कुछ इस तरीके की बना रहे हैं तब। ठीक है, जैसे कि ये है और यहाँ पर इसे हम ऐड कर देंगे एक, ठीक है, एक ये हो गई हमारी और हम एक यहाँ पर और करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं देख ले रहा हूँ अगर इसमें है कोई जॉब वगैरह की तो मैं इसमें उसे ऐड कर दूंगा यहाँ पर। तो अभी इसमें जॉब वगैरह की कोई है नहीं तो ठीक है, मैं इसमें फिलहाल एक ये वाली ऐड कर देता हूँ इमेज के लिए। ठीक है, अब ये हमारी यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन मिल गया, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ व्हाइट, और उसके बाद में हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जॉब, या सॉरी न्यू जॉब। ठीक है, न्यू जॉब जॉब्स, ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे हम तनक अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, कहाँ सेट करना है वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, कितना बड़ा यहाँ पर रखना है ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे और यहाँ सेट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आप करना चाहें वहाँ कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, उसके बाद में हम कहीं पर भी क्लिक कर देंगे और आप यहाँ से पब्लिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपसे यहाँ पर स्टोरेज डिस्क्रिप्शन में आपको यहीं पर ये चीज़ को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, या फिर आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ US। ठीक है, इसके बाद में पब्लिक रखना चाहते हैं या फिर आप इसे प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सारे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्टली ही पब्लिक करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से पब्लिक्स कर दूंगा। अब जो आपकी वेब स्टोरीज है वो यहाँ पर पब्लिक हो चुकी है, आपको यहाँ पर मिल गया है ऐड टू न्यू पोस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से क्लिक करके और भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डिसमिस कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो मैं यहाँ पर डिसमिस कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट के होम पेज पे जाता हूँ, उसके बाद मैं इसे चेक कर। तो इस तरीके से आप अपनी यहाँ पर वेब स्टोरी बना सकते हैं। उसके बाद में चलिए मैं आपको यहाँ पर सीधे वेब स्टोरी के डैशबोर्ड पर ही सिंपली क्लिक करता हूँ।
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आखिर आपकी कितनी वेब स्टोरी हो गई, और ये पब्लिक्स है, ठीक है। और आप यहाँ पर ये भी देख पाएंगे कि आखिर कौन कौन सी डेट में आपने वेब स्टोरीज को पब्लिक्स किया है। तो इस तरीके से आपको कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी वेब स्टोरी बनाएं आपको विदाउट कॉपीराइट, यानी कि आपको किसी की भी कॉपीराइट वाली जो फोटोज़ हैं वो आपको नहीं लेनी है। हालांकि कुछ लोग लेते हैं, पर वरना आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस का सामना करना पड़ सकता है। चोरी तो चोरी है, ठीक है। हो सके जितना आप बिना कॉपीराइट वाली ही लीजिएगा, और उसके बाद में फोटो हो चाहे आप वीडियो हो, जिसको भी आप वेब स्टोरी में ऐड करें वो आपकी अच्छी एकदम बेहतर क्वालिटी में होना चाहिए, ठीक है। तभी जो गूगल है वो अप्रूव्ड करेगा, वरना आपकी जो वेब स्टोरी है वो अप्रूव्ड नहीं करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जैसे कि अपनी वेब स्टोरी पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आपकी वेब स्टोरी है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद में आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। आज की इस वीडियोस में आप सीख गए होंगे कि आखिर हम एक न्यू वेब स्टोरी किस तरीके से बना सकते हैं गूगल पर। तो अगर आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।